अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। आज की वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल एलिमेंट्स की बैकग्राउंड में इमेज लगाना सिखाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी तक हमने बहुत सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, जिसमें फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन और भी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज शामिल है। आज की वीडियो में जो मेन सीएसएस की प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने उन्हें पहले ही मेंशन किया हुआ है और ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं जो जो प्रॉपर्टीज हम फर्दर कवर करते जाएंगे इस लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, ताकि आपके पास ये कंप्लीट रेफरेंस शीट बनती जाए। उसके अलावा मैं यहाँ पर और ज्यादा कॉलम्स भी ऐड करता जाऊंगा जैसे जैसे उनकी नीड होगी। आज की वीडियो में हम ये सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, मैं इनको यहाँ पर ही हम मार्क करते जाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड इमेज के साथ। HTML में एलिमेंट्स की बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए यहां पर मैं सबसे पहले index.html में आ जाता हूं और यहां पर इसे ओपन कर लेता हूं। लास्ट टाइम हम यहां तक स्टडी कर चुके हुए हैं और यहां पे मैं इसे क्लियर करके ब्रांड न्यू div यहां पर एक ऐड कर लूंगा और उसको क्लास असाइन कर दूंगा div 1। यहां से मैं css भी रिमूव कर दूंगा सारी और .div 1 और इसे बैकग्राउंड कलर असाइन कर दूंगा ब्लैक और इसे विड्थ असाइन कर दूंगा 700 पिक्सल और हाइट असाइन कर दूंगा 500 पिक्सल। इसकी बॉक्स साइजिंग मैं सेट कर दूंगा बॉर्डर्ड बॉक्स और मार्जिन मैं इसे सेट कर दूंगा 0 ऑटो और 0 की जगह। ये मैं पहले आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ ये किस तरह शो होगा। ये इस तरह शो होगा, मैं सिर्फ इसको ऊपर से टॉप से नीचे पुश करना चाहता हूँ, तो मैं टॉप पे 40 पिक्सल का जो मार्जिन है वो ऐड कर दूंगा। राइट पे मैं ऑटो सेट करना चाहता हूँ, उसके बाद बॉटम पे मैं 0 रखना चाहता हूँ और लेफ्ट पे ऑटो सेव और यहाँ पर ये इस तरह नीचे शिफ्ट हो गया। अब मैं इस जो ब्लॉक है इसमें एक बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा और ज़ायंस लिखकर सर्च करूंगा, ज़ायंस की वेबसाइट पे चला जाऊंगा और इसकी इमेज को एक न्यू टैब में ओपन कर लूंगा। यहां से मैं इसकी इमेज को एक न्यू टैब में ओपन करूंगा और ये हमारे पास इसकी इमेज है। इस इमेज को मैं यहाँ पर सेव कर लूंगा, कंट्रोल एस दबाऊंगा और इस इमेज को डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव कर लूंगा। मैं यहाँ से फाइंडर को ओपन करूंगा और डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊंगा, इस इमेज को कॉपी करूंगा यहाँ से और प्रोजेक्ट के फोल्डर में आकर एसेट्स में इमेजेस में इसको पेस्ट कर दूंगा और इसकी जो साइज है यहाँ पर मैं होवर करूंगा तो ये मुझे इसका साइज बता देगा कि इसका जो साइज है वो है 203 पिक्सल। मैं यहाँ पर इसे रीराइट कर दूंगा ज़ायंस लोगो कॉमा 203, ताकि मुझे पता हो कि ये पिक्सल कि ये इतनी इसकी विड्थ और हाइट है। अब मैं यहाँ पर कोड एडिटर में वापस आ जाऊंगा और इसकी बैकग्राउंड को सेट करूंगा। हमारे पास प्रॉपर्टी है सीएसएस की बैकग्राउंड इमेज और ये बेसिकली और भी काफी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। अभी के लिए हम जो इसमें क्योंकि इमेज लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इमेज का यूआरएल प्रोवाइड करना होता है। ये एक ऑनलाइन यूआरएल भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली इस इमेज का यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ और उसको पेस्ट करके सेव करूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा है लेकिन वो इमेज लोड हो गई है। उस टाइम को सेव करने के लिए जो थोड़ा सा टाइम लगा है, हम प्रेफर करते हैं कि हम लोकल इमेज का यूआरएल प्रोवाइड करें। यहाँ पर .forward/ इस फोल्डर तक आने के लिए जहां पर ये style.css की फाइल है, उसके बाद एसेट्स के फोल्डर में मैंने जाना है, फिर इमेजेस के फोल्डर में और ये इमेज है, सेव करूंगा। अब की बार पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश और अनकमेंट करके अब सेव करके जब रिफ्रेश करूंगा तो अब की बार ये टाइम नहीं लेगा, फौरन ही उसे शो कर देगा क्योंकि ये लोकल इमेज है, साथ ही अवेलेबल है। तो ये तरीका था सीएसएस के थ्रू एचटीएमएल के एलिमेंट्स में बैकग्राउंड इमेज लगाने का। हम चाहें तो यहाँ पर एक से ज्यादा बैकग्राउंड इमेज को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मुझे उसका यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा एक न्यू फाइल का,
और मैं फिर लोकल फाइल को यूज करूंगा एसेट्स, इमेजेस और बॉर्डर, ये बेसिकली। और एक फाइल को दूसरी फाइल से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सेव करूंगा और ये बेसिकली ये वाली फाइल है जो हमारे पास पहले यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हम लास्ट वीडियो में बॉर्डर इमेज के तौर पर यूज कर चुके हैं। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो मैंने इमेज पहले लगाई है वो ऊपर शो हो रही है और जो सेकंड इमेज है वो नीचे शो हो रही है। इसी तरह मैं जितनी चाहूं यहाँ पे इमेजेस लगा सकता हूँ और ये इसी पैटर्न पे रहेगी। जो सबसे पहला यूआरएल होगा वो सबसे ऊपर शो होगा और उसके बाद वाले यूआरएल उसके नीचे शो होते जाएंगे। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर दूंगा इसे भी और सिर्फ एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लगा दूंगा। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल कॉलन एसेट्स इमेजेस और ज़ायोंस, रिफ्रेश करूंगा और सेव करूंगा। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को मैं चेक मार्क कर दूंगा कि ये हमने लर्न कर ली है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी, जिसको यूज करते हुए हमने ये जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है यहाँ पर इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS में जो बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको यूज करते हुए ये बेसिकली शॉर्ट हैंड वे है। इसकी नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हम इसके बाद फौरन स्टडी करेंगे। अभी के लिए इसकी जो शॉर्ट हैंड ये वे है, ये फर्स्ट वैल्यू में एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट करता है और सेकंड में वाई की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। और जो ये वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, मैं इसको परसेंटेज में वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। ये परसेंटेज होगी इस एलिमेंट की। ये जो एलिमेंट मेन है, अगर इसकी विड्थ 100 पिक्सल है या 1000 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल का अगर मैं कहता हूं कि इसकी जो टोटल विड्थ है वो 1000 पिक्सल है और टोटल हाइट 500 पिक्सल है, तो जो 10% होगा उसका मतलब है कि 100 पिक्सल आगे x एक्सिस में 100 पिक्सल इधर को आ जाएगा। और हाइट में अगर 10 पिक्सल रखूंगा तो y एक्सिस पे वो 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा। यहां से स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको 1000 पिक्सल कर देता हूँ ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। रिफ्रेश करता हूँ, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। अब मैं इसका, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन मैं सेट कर चुका था लास्ट टाइम, मैं इसको सेट करूंगा। अगर मैं बेसिकली सिर्फ एक वैल्यू पास करूँ x की और y की वैल्यू पास ना करूँ तो उसको बाई डिफॉल्ट 50% अलाउ होता है। मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट सेम है। तो इससे ये साबित हो गया कि बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू पास होती है सेकेंड को वो 50% है। मैं क्योंकि दोनों को 10% पास करना चाहता हूं तो मैं दोनों को 10% यहां पे अलाउ करूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने 100 यूनिट्स यहां से मूव किया और 50 यूनिट्स ऊपर से नीचे मूव किया है। ओके, और क्योंकि ये अभी बैकग्राउंड रिपीट पे लगा हुआ है इस वजह से ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसको हम कंट्रोल करेंगे इस प्रॉपर्टी पे जब हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके होंगे। अभी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे और मैं इस शॉर्ट हैंड वे को लॉन्ग हैंड तरीके से समझाऊंगा इन दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के थ्रू। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और इसे कमेंट कर दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश। अब ये इस तरह हो गया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पोजीशन, और इसे क्लोज करूंगा एक्स और मैं 10% यहाँ पर ऐड करूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं पिक्सल की वैल्यू भी दे सकता हूँ तो मैं 100 पिक्सल भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो सेम रिजल्ट है जो कि पहले था, लेकिन अभी मैंने क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं दिया इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। और इसको अनकमेंट करूंगा और यहां पर चेंज कर दूंगा 100 पिक्सल जो कि एक्स को असाइन होगी और दूसरे को चेंज करके 50 पिक्सल कर दूंगा जो कि वाई को असाइन होगी। और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एंड रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी थी। हम इसको मार्क कर देंगे कि ये हमने कवर कर ली। इसके थ्रू हम बैकग्राउंड की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी होपफुली आपने नाम से गेस कर लिया होगा, ये बैकग्राउंड इमेज की साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर दूंगा, पोजीशन को सेव करूंगा, रिफ्रेश। ये यहां पर आ गया बाय डिफॉल्ट पोजीशन पर और मैंने बैकग्राउंड साइज, और हमारे पास तीन ऑप्शन है। ऑटो सेव करूंगा जो कि करंटली लगा हुआ है।
ऑटो का मतलब कि जितनी ये इमेज की विड्थ और हाइट है उतनी ही विड्थ और हाइट ये ले और रिपीट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट होकर पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है कवर। अगर मैं इसको ये सेट करूंगा तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज है ये पूरे बैकग्राउंड को कवर करेगी। उस चीज को अचीव करते वक्त ये हो सकता है कि एजेस को कट भी कर दे, क्रॉप करके किसी तरह ये पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगी। मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो एजेस हैं उनको नीचे से क्रॉप कर दिया है। नीचे से काफी ज्यादा इमेज को इसने क्रॉप कर दिया है और बैकग्राउंड को कवर कर दिया है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को अब रेड में शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी ब्लैक है, इस वजह से वो कंफ्लिक्ट कर रहा है। रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसका एंड रिजल्ट आया। मैं अब वापस यहां पर आऊंगा और यहां पर तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंटेन का। इसको यहां पर कंटेन करूंगा, इसका मतलब है कि ये बेसिकली फुल इमेज को यहां पर शो करेगा और बाकी जो एरिया होगा उसको खाली छोड़ देगा। सेव किया, रिफ्रेश करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने पूरी इमेज को जो एरिया है उसको पूरे उसमें इमेज को पूरी तरह शो किया है। और क्योंकि यहाँ पर बाकी इतना एरिया बचा हुआ था कि ये एक दफा और इमेज को रिपीट कर सकता, तो इसने एक दफा और इमेज को रिपीट करके शो कर दिया। मैं यहाँ पर अगर एरिया को कम करूंगा, 800 पिक्सल करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो फुली कवर हो रही है और यहाँ से जो बाकी इमेज है वो यहाँ से कट आउट हो रही है। हमारे पास इसका एक ऑप्शन और भी है जो कि है विड्थ और हाइट। मीन के मैं इसकी विड्थ और हाइट को पास कर सकता हूं, जिसमें दो ऑप्शन है। मैं पिक्सल के साथ पास कर सकता हूं 100x100 पिक्सल, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उस तरह हो गया। और मैं परसेंटेज में पास कर सकता हूं 100x100%, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फुली कवर हो गया यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट को 100% कर दिया और ये एक स्क्वायर नहीं है लेकिन इमेज एक स्केल थी, इस वजह से इमेज जो है वो स्ट्रेच होके खराब हो गई है। इसलिए जो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं तरीका वो है कवर का। बैकग्राउंड साइज हम कवर कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए ये इमेज सही से शो नहीं हो रही। उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन में भी हमारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। एक तो हमने ये तरीका सीखा जो नंबर्स था जिसमें पिक्सल और परसेंटेज, दूसरा तरीका हमारे पास कीवर्ड्स है जिसमें जो डिफॉल्ट कीवर्ड होता है वो है टॉप लेफ्ट, या इसका मतलब है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। रिफ्रेश करता हूं तो ये डिफॉल्ट है। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो है सेंटर सेंटर, रिफ्रेश, और ये नॉर्मली हम इस तरह यूज करते हैं क्योंकि इमेजेस हमारे पास इस तरह होती हैं जिनको जब हम सेंटर सेंटर करते हैं तो वो उनकी जो एंड रिजल्ट आता है वो काफी बेहतर होता है। लेकिन होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है टॉप, यहां पर टॉप लेफ्ट, राइट, बॉटम और सेंटर, और यही पांचों ऑप्शन यहां पर भी अवेलेबल है हमारे पास। इनको हम लेफ्ट राइट शफल करके जो हमारे पास टोटल एंड नंबर ऑफ रिजल्ट बनते हैं उनको अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बॉटम लिख सकता हूं, बॉटम सेंटर, तो ये रिफ्रेश करूंगा तो ये बॉटम और सेंटर में यहां पर इसको शो कर रहा है। अगर मैं इसको बॉटम बॉटम करता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो आप देख लें कि ये इस तरह शो होता है। इसी तरह आप बाकी सारी वैल्यूज के साथ प्ले अराउंड करके देख सकते हैं कि क्या एंड रिजल्ट आपको शो होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर कवर मार्क कर देंगे कि ये डन हो गई है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे बैकग्राउंड रिपीट। मैं यहां पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए बैकग्राउंड साइज को अनचेक कमेंट कर दूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा। यहां पर जब मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास ये एंड रिजल्ट शो हो रहा है। अब ये इमेज यहां पर बार बार रिपीट हो रही है पूरी बैकग्राउंड को कवर करने के लिए। मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को नन कर दूंगा, को नो रिपीट कर दूंगा कि ये रिपीट ना करें। यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसने एक दफा उस इमेज को शो किया है और उसके बाद उस इमेज को रिपीट नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास रिपीट होती है। रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। हमारे पास रिपीट एक्स अवेलेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, और रिपीट वाई अवेलेबल है जिसमें कि ये
वर्टिकली रिपीट होगा। इस प्रॉपर्टी को यहां पर चेक मार्क कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ओरिजिन। मैं यहां पर कंटेंट पे आता हूं और बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले ये चीज यहां पर रिपीट को नो रिपीट पे सेट कर दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, ये आ गया। अब मैं यहां पर पैडिंग ऐड कर दूंगा 40 पिक्सल, सेव करूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी यहां पे शो हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहां पर ऐड करूंगा बॉर्डर, बॉर्डर भी मैं 40 पिक्सल ऐड कर दूंगा सॉलिड ग्रीन। यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो ये आपके पास एंड रिजल्ट आ रहा है। मैं यहां पर इंस्पेक्ट करूंगा इसको और इसको यहां पर थोड़ा सा नीचे मूव कर लूंगा। यहां पर आपके पास ये इसका कंटेंट एरिया आ रहा है, ये इसका पैडिंग एरिया आ रहा है और ये इसका बॉर्डर एरिया आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो, क्योंकि हमने बैकग्राउंड इमेज सेट किया और बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होती है वो पैडिंग बॉक्स पे अप्लाई होती है। ये पूरा बॉक्स जो है ये पैडिंग बॉक्स है और ये कंटेंट बॉक्स है। हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये बेसिकली कंटेंट बॉक्स में शो हो और पैडिंग बॉक्स में शो ना हो, या फिर ये बॉर्डर बॉक्स में शो हो और पैडिंग बॉक्स में इससे इसका शुरू ना हो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बॉर्डर बॉक्स पे सेट हो जाए। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड ओरिजिन। यहां पर मैं ओरिजिन लिखकर सर्च करता हूं, ये प्रॉपर्टी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास तीन वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स। बाय डिफॉल्ट ये पैडिंग बॉक्स पे सेट होता है। यहां पे मैं इसको पैडिंग बॉक्स एंटर करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो सेम एंड रिजल्ट है, क्योंकि ये हमारा पैडिंग बॉक्स है और यहां पर ये इंप्लीमेंट है, बैकग्राउंड इमेज यहां से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको चेंज करूंगा, इसको कमेंट करके बैकग्राउंड ओरिजिन कंटेंट बॉक्स करूंगा तो अब ये इस एरिया में से स्टार्ट होगा। ये जो ब्लू एरिया टॉप लेफ्ट कॉर्नर है यहां से बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट होगी। रिफ्रेश करता हूं तो आप देख लें कि ये अब कंटेंट बॉक्स के अंदर आ गया। लास्टली इसकी जो आखिरी प्रॉपर्टी है उसको शो कराने के लिए वो है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। और होपफुली आपने उसको गेस कर लिया होगा कि वो फिर बॉर्डर बॉक्स से स्टार्ट होगी जो बैकग्राउंड इमेज है। रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो बॉर्डर बॉक्स से स्टार्ट हो रही है। और क्योंकि मैंने बॉर्डर बॉक्स को सॉलिड कलर दिया हुआ है ग्रीन, इस वजह से उसके नीचे जो इमेज है वो नजर नहीं आ रही। अगर मैं बॉर्डर को यहां पर सॉलिड की बजाय डैश्ड कर दूं तो आप देख सकेंगे कि नीचे मुझे इमेज शो हो रही है। ये थी हमारी बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी। मैं इसको डन मार्क कर दूंगा और नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी, इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है बैकग्राउंड ओरिजिन की तरह, लेकिन इसका काम डिफरेंट है। बैकग्राउंड क्लिप बेसिकली ये करता है कि जो बैकग्राउंड हमारी जो पेंट हो रहा है उसको डिफाइन करता है कि वो कहां तक पेंट होगा। अगर मैं उसको कंटेंट बॉक्स सेट कर दूंगा तो वो सिर्फ कंटेंट बॉक्स के पीछे पेंट होगा, यहां पर पैडिंग बॉक्स सेट कर दूंगा तो सिर्फ पैडिंग बॉक्स तक पेंट होगा, और अगर बॉर्डर बॉक्स सेट कर दूंगा तो बॉर्डर बॉक्स जो कि अभी डिफॉल्ट है उसके तक पेंट होता है। यहां पर आके मैं कोड में आता हूं और यहां पर बैकग्राउंड क्लिप ऐड करता हूं, सबसे पहले बॉर्डर बॉक्स, सेव, रिफ्रेश और यहां पर आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट सेम है क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू थी। इसको मैं दो दफा पेस्ट कर देता हूं और एंड वाले और शुरू वाले को कमेंट आउट कर देता हूं। सेकंड मैं करता हूं पैडिंग बॉक्स, इसका मतलब यह है कि जो बॉर्डर बॉक्स वाला एरिया है उसके पीछे बॉर्डर जो बैकग्राउंड कलर और इमेज है वो शो नहीं होगी। रिफ्रेश करता हूं और आप देख सकते हैं कि उतना जो एरिया है वो वाइट हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका ओरिजिन बैकग्राउंड इमेज का वो बॉर्डर बॉक्स सेट किया हुआ है इस वजह से ऊपर से वो क्लिप हो रही है। अब मैं यहां पे वापस आके इसको कमेंट करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा और इसको सेट कर दूंगा कंटेंट बॉक्स। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा अब जो होगा पैडिंग एरिया भी उसके नीचे से भी बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाएगी और सिर्फ कंटेंट एरिया के नीचे बैकग्राउंड शो होगी। और जितना एरिया यहाँ पर
इमेज का शो हो रहा है उतना शो होगा, बाकी सारा क्लिप हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूं और आपके सामने एंड रिजल्ट आपके सामने है कि जो बैकग्राउंड का कलर और बैकग्राउंड इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बॉक्स के अंदर शो हो रही है, ना पैडिंग बॉक्स में कुछ शो हो रहा है और ना ही बॉर्डर बॉक्स में हो रहा है। और ये आपके पास एक और तरीका आ गया जिसके थ्रू आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग सा डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको अब मैं पोजीशन यूज करते हुए, बैकग्राउंड पोजीशन यूज करते हुए इस प्रॉपर्टी को इसको मैं सेंटर कर दूंगा, जिससे कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और ये आपके सामने एक एंड रिजल्ट आ गया। बेसिकली ये टॉप सेंटर 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 बेसिकली फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट जो सेंटर वैल्यू होती है, ये जो मैंने फर्स्ट सेंटर वैल्यू लिखे ये हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफाइन करता है कि कहां पे आना है, और सेकेंड जो सेंटर है ये वर्टिकल लाइन में डिफाइन करता है। तो ये थी बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी जिसको यूज करते हुए हमने ये चीज कंट्रोल की कि जो बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर है वो किस एरिया के नीचे ड्रॉ होगा और कहां पे ड्रॉ नहीं होगा। इसको मैं यहां पर डन मार्क कर देता हूं और नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि हम इसको यूज करते हुए बैकग्राउंड पैरेलैक्स का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं यहां पर एक डेमो वेबसाइट ओपन करूंगा और आपको बैकग्राउंड पैरेलैक्स का इफेक्ट शो करवाऊंगा। यहां पर मैंने ये डेमो वेबसाइट ओपन की है। यहां पर आप इस इमेज पे फोकस करें, जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो वो इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही, जबकि अगर मैं ये सिंपल वेबसाइट पे आता हूं जहां पे पैरेलैक्स इफेक्ट नहीं लगा हुआ तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये जब मैं स्क्रॉल करता हूं पेज को तो उसके साथ स्क्रॉल होती है, जबकि यहां पर ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड रह रही है और पेज स्क्रॉल कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमें पैरेलैक्स इफेक्ट मिल रहा है। इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर बैकग्राउंड अटैचमेंट को सेट कर दूंगा, जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है वो है स्क्रॉल। मैं यहां पर स्क्रॉल सेट करूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा, अभी हमारे पेज में स्क्रॉल अवेलेबल नहीं है। मैं यहां पर वापस आऊंगा और यहां पर एक और div ऐड कर दूंगा, div क्लास div 2, और इसको बेसिकली सिर्फ div की क्लास दे दूंगा, 3-4 ऐड कर दूंगा यहां पर काफी ज्यादा ताकि हमें स्क्रॉल का इफेक्ट मिल सके, और 3-4 इससे पहले ऐड कर दूंगा। यहां पर आके अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो div की क्लास मैंने ऐड की है उसको width 100% दे दूंगा और height 400 पिक्सल दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर में उसको ब्लैक दे दूंगा ताकि इजी हो बाकी डिफ्रेंशिएट करना, और मैं उसको बॉर्डर कलर दे दूंगा ताकि हम देख सकें कि जो डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे में। बॉर्डर वाइट 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और मार्जिन में उसको दे दूंगा 20 पिक्सल 0 सेफ। यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज पेज के साथ स्क्रॉल हो रही है, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। मैं यहां पर वापस आऊंगा और यहां पर स्क्रॉल को बैकग्राउंड अटैचमेंट को सेट कर दूंगा फिक्स्ड पर, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और अब आप देखेंगे जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो वो इमेज अपनी जगह पे फिक्स रह रही है और एक किस्म का पैरेलैक्स का इफेक्ट हमें यहां पर मिल रहा है। ये थी हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू के हम पैरेलैक्स का इफेक्ट अचीव करते हैं। मैं इसको डन मार्क कर दूंगा और अब मैं आपको इन सारी प्रॉपर्टीज, ये जो हमने इतनी प्रॉपर्टीज स्टडी की है, इनकी शॉर्ट हैंड फॉर्म बताऊंगा जिसको यूज करते हुए हम ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी के साथ। हमारे पास ये एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है जिसको यूज करते हुए हम ये सारी चीजें एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं ये सारा कुछ यहां पर कमेंट कर दूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा, और मैं पहले जो ऑलरेडी कमेंटेड एरिया है उसको यहां से रिमूव कर दूंगा और यहां से इसको रिमूव कर दूंगा, जो चीजें हमारी कमेंटेड हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा यहां पर ताकि हमारे पास सिर्फ वही कोड बचे जो एक्चुअल कोड है, और यहां से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा और एक दफा कंफर्म कर लूंगा कि कोई चीज रिपीट नहीं हो रही।
यहाँ पर बॉर्डर और पैडिंग को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज कर दूंगा, इमेज पोजीशन रिपीट ओरिजिन, पोजीशन के बाद साइज, यहाँ पर साइज नहीं मेंशन, साइज बेसिकली मैं मेंशन कर दूंगा बैकग्राउंड साइज और उसको ऑटो कर दूंगा जो बाय डिफॉल्ट होता है अभी के लिए क्योंकि मैं और कुछ नहीं सेट करना चाह रहा। रिपीट ओरिजिन और क्लिप, रिपीट ओरिजिन क्लिप और लास्टली अटैचमेंट। अब मैं इसका शॉर्ट हैंड वे आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर बैकग्राउंड लिख दूंगा। ये हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड के लिए और जो ये एक्सेप्ट करती है, सबसे पहले कलर एक्सेप्ट करती है जो बैकग्राउंड पे आपने कलर लगाना हो, और इसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, इनको अनकमेंट करूंगा एक दफा और इसके साथ इसको कमेंट कर दूंगा सबको। फिर ये इमेज एक्सेप्ट करती है, उसके बाद ये मैंने इनको इसी तरह ऑर्डर में किया जिस तरह ये एक्सेप्ट करता है, और फिर ये पोजीशन और साइज इन दोनों में से एक चीज ये एक्सेप्ट करता है, उसके बाद रिपीट उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ओरिजिन की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, क्लिप और लास्टली अटैचमेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये पैटर्न है, मैं इसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर लूंगा और कमेंट कर लूंगा और सबसे पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड हमने सेट किया हुआ था रेड पे, सेव करूंगा, यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आया। नेक्स्ट इमेज वो मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, सेव रिफ्रेश, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन, वो मैं सेंटर सेंटर यहां पर अप्लाई कर दूंगा, सेव रिफ्रेश, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट साइज उसकी जगह एक ही आना था, उसके बाद रिपीट, वो मैं इसको नो रिपीट कह दूंगा, रिफ्रेश और ये सेंटर में अब एक आ गया। उसके बाद अभी ये स्क्रॉल जो अटैचमेंट है वो स्क्रॉल है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पर वापस आऊंगा। नेक्स्ट इसका ओरिजिन मैं सेट करूंगा, वो हमने सेट किया हुआ था बॉर्डर बॉक्स, ये मैं इधर सेट कर दूंगा, सेव रिफ्रेश। नेक्स्ट हमने क्लिपिंग सेट की हुई थी कॉन्टेक्ट बॉक्स, उसको सेट कर दूंगा, सेव रिफ्रेश और लास्टली अटैचमेंट, अभी भी अटैचमेंट सेट नहीं हुई, बाकी सारा कुछ हमारा अचीव हो गया, सेव रिफ्रेश। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमने एंड रिजल्ट इन 8 प्रॉपर्टीज के साथ अचीव किया था वो हमने एक ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के साथ सेम एंड रिजल्ट अचीव कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो में आपने सीखा कि हम CSS को यूज करते हुए HTML एलिमेंट्स की बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड साइज, अटैचमेंट, ओरिजिन, क्लिपिंग बिहेवियर और पोजीशन को किस तरह सेट कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.